अनुशासन की जगह पर फिर एक बार हमें लगता है कि अपराधियों का बोलबाला है और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, तभी अपराधियों का इतना मनोबल। मंत्री के पिता की हत्या हुई है, तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है? क्या राज्य में आम जनता सुरक्षित है? क्या नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की सरकार अब कहां गई? क्या हुआ? चुनाव के बाद दलितों की हत्या, मतदाताओं पर हमले, हिंसा। आज सुबह सुबह मुकेश सैनी की पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी से। सर, आज जिस तरीके से न्यूज आई है सामने, देखें इसको। हमने भी अभी जस्ट तुरंत देखा, बहुत ही शॉकिंग खबर है जी। और बिहार में लगातार अपराध की घटना इस तरह से बढ़ रही है, बहुत चिंता की बात है। तो इस पे तो बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और हमारी पूरी संवेदना मुकेश जी और उनके परिवार के लोगों के साथ। एक पूर्व मंत्री की पिता की हत्या हुई है, तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है? क्या राज्य में आम जनता सुरक्षित है? क्या नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की सरकार अब कहां गई? क्या हुआ? बिल्कुल, जो दोनों बातें इनकी थी, सुशासन और विकास जी। विकास के नाम पर पुल पुलिया की चर्चा होती थी, अब तो लगातार पुल गिर रहे हैं, तो वहां भ्रष्टाचार और लूट है। और सुशासन की जगह पर फिर एक बार हमें लगता है कि अपराधियों का बोलबाला है और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, तभी अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ता है। तो सर, मान लीजिए कि एक पूर्व मंत्री की पिता जब सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या हो गई, तो आम जनता के साथ भी क्या होगा? इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता में भी बहुत असुरक्षा का इस समय जबरदस्त गहरा एहसास है और हमें लगता है कि दोनों ही मोर्चे पर सरकार बिल्कुल फेल हो गई है, चाहे वो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या विकास की बात। आप लोग क्या मांग करते हैं, आपकी पार्टी क्या मांग करते हैं? नहीं, हमारी तो बिल्कुल मांग इसमें है कि इस पे गिरफ्तारी हो, इस पे तत्काल सरकार इसका संज्ञान लेकर के बात करे। और ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। अब ये तो मान लीजिए ज्यादा चर्चे में इसलिए है कि मुकेश जी के पिता हैं, लेकिन चुनाव के बाद दलितों की हत्या, मतदाताओं पर हमले, हिंसा, तो ये लगातार कई घटना है और उस हर पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है जी। सरकार को पूरे, हमें लगता है कि विधानसभा का सत्र होगा तो पूरे प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इस पर सरकार को एक जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए, ताकि जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, जनता को जवाब। क्या नीतीश कुमार पे जनता अगली बार भरोसा कर पाएगी चुनाव में? अभी तो चुनाव तो आगे की बात है, अभी तो तत्कालिक जो स्थिति है, जो स्थिति देखी जा रही है। नहीं, बिहार में तो बिल्कुल साफ है कि बिहार में एनडीए सरकार पर जनता का भरोसा नहीं है। बिहार निश्चित तौर पर एनडीए सरकार से मुक्ति के लिए और इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़े। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये सीपीआई एमएलए के राष्ट्रीय सचिव थे दीपांकर भट्टाचार्य जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार असफल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य में खराब हो चुका है, इसको लेकर सरकार को घेर रहे हैं ये लोग। और लगातार घेरे भी क्यों नहीं, लगातार आए दिनों हत्याएं हो रही है, लूट कांड हो रही है, डकैती हो रही है, लगातार आए दिनों ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है। और आज सुबह सुबह मुकेश सैनी के पिताजी को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, इसको लेकर तमाम राज्य में अफरा तफरी मची हुई है। जब एक आप खुद कल्पना कीजिए, जब एक राज्य में एक पूर्व मंत्री के पिता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के साथ क्या हो सकता है? और आम जनता कितनी सुरक्षित फील महसूस कर रही होगी, कितनी महसूस नहीं कर रही होगी, आप इस पे क्या सोचते हैं? इस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।